दोस्तों, मैं हूँ कमल। मेरी चैनल फैशन लाइफ है, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो में मैं लेके आई हूँ आपके लिए कि अभी गर्मियाँ शुरू हो गया है कि गर्मियों से हमें किस तरह का कपड़ा पहनना चाहिए, कौन से टाइप का ड्रेस पहनना चाहिए, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, गर्मियों में हम किस तरह का कपड़े पहनना है, तो सबसे पहले हम कपड़ा चूज करने से पहले या फिर हम ड्रेस रेडीमेड खरीदने से पहले हमें तीनों बातों को ध्यान में रखना है। पहले बात यह है कि हमें कपड़े का टाइप देखना है, हमें कौन से कपड़ा चूज करें। तो हमें हमें हमेशा कपड़े को देखना है कि कपड़े का फैब्रिक या फिर कपड़े का कौन से टाइप का कपड़ा है ये, तो उस पर ध्यान जरूर रखिए। क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि हम गलती से सिल्क कपड़ा या फिर जर्जर कपड़ा लेके आ जाते हैं, वो जो कि ज़्यादा हमें गर्मी देता है। तो हमेशा कपड़े का वो टाइप को देखिए कि हमें गर्मियों में किस तरह का कपड़ा चाहिए। आप सबको पता है कि गर्मियों में हमें कॉटन लाइनन या फिर खादी इस टाइप का कपड़ा हमें बहुत आराम देता है। तो हमेशा ये कपड़ा आप चूज कीजिए। फिर नंबर सेकेंडली हमें ये देखना है कि कलर, क्योंकि हमें गर्मियों में थोड़ा सा लाइट कलर अच्छा लगता है। जैसे कि आप डार्क ब्लू पहन रहे हैं तो आप थोड़ा सा लाइट ब्लू पे आ जाइए, या फिर डार्क ऑरेंज पहन रहे तो लाइट ऑरेंज पे आ जाइए। इस तरह का हमेशा हर चीज को आप लाइट कर लीजिए, थोड़ा सा लाइट कपड़ा। और सबसे अच्छा है कि आप व्हाइट कलर पहने तो ये आपको और भी ज्यादा कूल लगेगा। तो इस तरह कलर के ऊपर भी डिपेंड करता है हमारा किससे हमें लगता है हमारा बॉडी कि हमें किस तरह का कपड़े का कलर पहनना है। कि क्योंकि कभी कभी ऐसा रहता है, मन रहता है कि हमें कुछ देखने से ही हमें लगता है कि ये तो गर्मी लगे। जैसे कि ब्लैक, आप ब्लैक को गर्मी में देखेंगे तो थोड़ा अचानक हमें लगता है कि ये हमें गर्म दे देगा। तो इसलिए आप ब्लैक कलर को ज़्यादा मत चूज कीजिए। जैसे कि थोड़ा पीस लगेगा व्हाइट कलर, लाइट येलो, इस तरह का लाइट ब्लू, स्काई ब्लू, इस तरह लाइट पिंक, ये कलर को ध्यान दीजिए। फिर नंबर थ्री में आप ये देखिए कि आप किस तरह डिजाइन का, कौन से डिजाइन का आप पहन रही है। जैसे कि आप विंटर में लेगिंग्स पहन रही है या फिर टाइट कपड़ा पहन रही है, जैकेट वगैरह ये सब आप विंटर में पहन रहे हैं, तो आप समर में उसका बिल्कुल अलग पहनिए, उसका टोटली डिफरेंस आपको पहनना है। तो आप लेगिंग्स के बदले में पैंट, प्लाजो, इस तरह का कपड़ा पहनना है। तो आपको इसके ऊपर देखना है कि हमें किस तरह का डिजाइन, किस तरह का स्टाइल हम पहन रहे हैं कपड़े, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, आपका जितना डाउट है आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये वीडियो में आपको इसी बात पे ही बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले इस वीडियो में मैं आपको कपड़े दिखाऊंगी, कुछ स्टार्टिंग से 5-6 बातें आपको बताऊंगी कपड़े के बारे में कि आप इस तरह का कपड़ा पहनेंगे तो आपको आराम लगेगा गर्मियों में, और आप गर्मियों के साथ साथ तो स्टाइल भी देखना है और अच्छा लुक भी देना है। तो इस तरह का कपड़ा के साथ साथ आप अच्छा लुक भी दे सकते हैं। तो पहले में क्या है कि आप लॉन्ग ड्रेस पहन सकती है गर्मियों में, क्योंकि लॉन्ग ड्रेस आपको आराम लगेगा। सबको पता है लॉन्ग ड्रेस थोड़ा सा ढीला ढाला रहता है, आराम रहे, लेकिन वो भी आपको चूज करना है कि आप कौन से टाइप के कपड़े चूज कर रही है। तो आप सिल्क का मत लीजिए, आप वो भी आप कॉटन का लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कॉटन का भी बहुत अच्छा लॉन्ग ड्रेस मिल जाता है। तो आप नी लेंथ भी ले सकती है, या पे मिनी लेंथ में भी आप नी लेंथ में ले सकती है, या फिर आप एंकल लेंथ में भी ले सकती है। एंकल लेंथ का भी आपको बहुत अच्छा मिल जाएगी लॉन्ग ड्रेस। तो इस तरह का आप लॉन्ग ड्रेस का प्रिफर कीजिए गर्मियों में, क्योंकि तो लॉन्ग ड्रेस बहुत आरामदायक रहता है। तो दोस्तों, आप फर्स्ट आप चूज कीजिए लॉन्ग ड्रेस पे। लॉन्ग ड्रेस में भी आप स्लीव को थोड़ा सा स्लीवलेस रख सकती है, और लॉन्ग ड्रेस में भी आपको कप्तान ड्रेस है जो कि आपको बिल्कुल आराम लगेगा, थोड़ा सा ढीला ढाला रहता है। तो हमेशा ढीले के ऊपर लूज के ऊपर ध्यान दीजिए कि आपको थोड़ा लूज रखना है, ताकि आपका बॉडी के ब्रीथिंग भी ठीक से हो सके और आपका थोड़ा हवा भी, थोड़ा सांस ऐसा लगेगा जैसे कि आप सांस को ही नहीं रुक रहा है, तो सांस आने जाने के लिए थोड़ा सा तो चाहिए, तो आपको अच्छा लगेगा। तो इस तरह का ढीला कपड़ा पहनिए लॉन्ग ड्रेस में। फिर नंबर थ्री में आपको अगर साड़ी पसंद है तो आप साड़ी पहन सकती है। तो साड़ी के साथ आप स्लीवलेस ब्लाउज चूज कीजिए या फिर क्रॉप टॉप लीजिए, क्योंकि आपके पास अगर लूज क्रॉप टॉप है तो आप उसको भी प्यार कीजिए, पहनिए। लेकिन साड़ी हमेशा ध्यान रखिए लाइनन, खादी या फिर कॉटन का होना चाहिए।
और प्रिंट पे भी ध्यान दीजिए, थोड़ा फ्लावर प्रिंट, थोड़ा अच्छा सा प्रिंट होना चाहिए, जैसे कि आप देखेंगे तो आपको कूल महसूस लगेगा, कि कोई दूसरा भी देखे तो उसको भी अच्छा लगेगा कि बहुत पीस लग रहा है। तो उस कलर के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। फिर नंबर थ्री में आप कुर्ती पहन सकती है, लेकिन कुर्ती आप लेगिंग्स के साथ बिल्कुल मत पहनिए। गर्मियों में आप कुर्ती, लॉन्ग कुर्ती पहनिए। आप लॉन्ग कुर्ती को आप थोड़ा सा लूज लॉन्ग कुर्ती पहन लीजिए, ढीला लॉन्ग कुर्ती पहन लीजिए आप पैंट के साथ पेयर करके, तो पैंट के साथ पेयर करेंगे तो पैंट लूज रहता है तो आपको भी अच्छा लगेगा। थोड़ा बॉडी को आराम देना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे हमारा पसीना लगता है, हम कितने भी एसी में बैठे लेकिन थोड़ा तो बाहर जाना पड़ता ही है। तो आप पैंट के साथ प्यार करके पहनिए, तो आप दिन भर तो ऐसे ऐसे बैठ नहीं सकते थे एक जगह पे, तो आपको इधर उधर तो जाना ही है। तो आपको लॉन्ग कुर्ती के साथ पैंट के प्यार कर पीजिए, क्योंकि पैंट थोड़ा ढीला रहता है और आप लॉन्ग कुर्ती को भी थोड़ा ढीला रखिए। तो इस तरह पहनेंगे प्यार करके तो आपको बहुत अच्छा आराम लगेगा, बहुत अच्छा, इतना गर्मी भी नहीं लगेगी। तो ये कर सकती है। फिर आप नेक्स्ट आप कुर्ती के साथ, लूज कुर्ती के साथ प्लाजो भी पहन सकती है, तो वो भी आपको अच्छा लगेगा। एक स्टॉल भी डाल सकती है, स्टाइल के लिए बहुत अच्छा लुक देता है स्टॉल। व्हाइट कलर प्लाजो, व्हाइट कलर कुर्ती के साथ एक ब्लू कलर स्टॉल आप रखिए तो बहुत अच्छा लुक देता है। तो आप कुर्ती के साथ, लेकिन कुर्ती को भी आप ध्यान में रखिए, जैसे कि हमारा प्लाजो थोड़ा सा लूज रहता है तो कंफर्ट लगता है लेग को, अच्छा लगता है पैर को पहनने के लिए, जैसे ही हमारा बॉडी को भी थाइए थोड़ा सा लूज रखिए कुर्ती को, तो वो भी हमारे गर्मी के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो इस पे थोड़ा छोटी छोटी बातों पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो हमें बहुत गर्मियाँ हमारा बहुत अच्छे से चला जाएगा। फिर इसके बाद आपको लॉन्ग स्कर्ट भी पहनना है, तो आप लॉन्ग स्कर्ट भी पहन सकती है गर्मियों में, क्योंकि लॉन्ग स्कर्ट भी बहुत आरामदायक रहता है। अगर आपको लॉन्ग स्कर्ट पसंद नहीं है तो आप शॉर्ट कुर्ती के साथ शॉर्ट लेंथ का स्कर्ट पहन सकती है, या फिर आप टॉप्स के साथ भी पहन सकती है स्कर्ट, कोई भी आप कैसे भी प्यार करके पहन सकती है तो अच्छा लुक देगा। मैं यहाँ पे एक दो पिक्चर डाल दूंगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हर ड्रेस का मैं पिक्चर डाल दूंगी, आपको उसको देख के फॉलो करेंगे, आपको पता चलेगा कि कैसा लग रहा है। फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप कप्तानी टॉप के साथ, शॉर्ट टॉप, कप्तानी शॉर्ट टॉप के साथ आप पैंट पहन सकती है, या फिर आप कैप्री पैंट भी पहन सकती है टॉप के साथ, या फिर स्लीवलेस टॉप के साथ पहन सकती है, क्रॉप टॉप के साथ कैप्री लेंथ का पैंट पहन सकती है, या फिर आप जैसे कि आप लोअर का इलास्टिक, नीचे इलास्टिक जैसे लोअर है वैसे आप पैंट पहन सकती है, सलवार जैसा, आप उस तरह का भी पैंट यूज कर सकते हैं, जो आपको जैसा भी हो, लेकिन थोड़ा सा आपको कपड़े को ध्यान में रखता है, कॉलर को ध्यान में रखता है, और थोड़ा ढीला लूज कपड़ा आपको पहनना है गर्मियों में, इस पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसके साथ भी आप स्टाइलिश लग सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम हमेशा फिटिंग रहने से ही हम थोड़ा सा अच्छा लुक दे पा रहे, ऐसा नहीं है। आप हमें अगर थोड़ा सा ढीला रखेंगे या लूज रखेंगे तो भी हम अच्छा लुक, आप अच्छा लुक दे पाएंगे और अच्छा ब्यूटीफुल भी लगेंगे, तो सुंदर भी दिखेंगे। तो इस तरह आप पहनेंगे गर्मियों में कपड़े, क्योंकि बहुत गर्मी है अभी से, अगर थोड़ा गर्मी लग रहे हैं तो आगे जाके तो और भी गर्मी लगेगी, लेकिन गर्मी के लिए इसका मतलब नहीं कि हम अच्छा दिखाना न दे या फिर अच्छा कपड़े पहना रहे, पहन सकते हैं, लेकिन उसका चूज करना जरूरी है कि किस तरह का कपड़ा। तो ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा, मैं मुझे लगता है, मैं आशा करती हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा, थोड़ा भी पसंद आया तो आप जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे वीडियो को जिन लोगों ने है तो उन लोगों के लिए मैं मेरे वीडियो में स्वागत करती हूँ। आप लोग मेरे वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए और सबको, सबके साथ शेयर कीजिए, ताकि मुझे और भी वीडियो बनाने में आसान होगा और अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, न्यू वीडियो के साथ आप लोगों के पास लेके आऊँगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए।